फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बिजनेस मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे तालों के बारे में, जिसको लॉक भी बोलते हैं इंग्लिश में। उनके बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे कि कॉपर के लॉक कैसे होते हैं, स्टील के लॉक कैसे होते हैं, कितने एमएम के लॉक कितना पैसा में मिलता है, हमें मिनिमम होलसेल से कितना क्वांटिटी लेना पड़ता है, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है इंडियन लॉक। सबसे छोटा साइज़ में लॉक होता है ये, जो हमें 20 रुपए में मिलता है, जिसकी रिटेलिंग मिनिमम 30 या 25 रुपीस तक होती है। ये सबसे छोटे साइज़ का लॉक है, इसको 20 mm का लॉक बोलते हैं, 25 mm का लॉक है ये इंडियन लॉक। सेम इसी तरह से रहता है, नॉर्मल क्वालिटी का है। उसके बाद उसका थोड़ा सा बड़ा साइज़ लेने जाएंगे तो ये आएगा 35 mm का लॉक। ये उससे थोड़ी बड़ी साइज़ रहती है, आप देख सकते हैं साइज़ यहाँ पर, ये देखिए। इसकी रिटेलिंग मिनिमम 50 से 55 रुपीस तक होती है। उसके बाद उससे बड़ी साइज़ आती है, उसके बाद उससे बड़ी साइज़ है 50 mm का लॉक है, जिसकी रिटेलिंग मिनिमम 70 से 80 रुपीस तक होती है। ये मेरे पास सारे सत्या ब्रांड के लॉक्स है। अभी उससे बड़ा साइज़ लेने जाएंगे हम तो ये 65 mm का लॉक आ जाता है। ये सबसे बड़ी साइज़ है, ये आप देख सकते हैं। इसकी रिटेलिंग मिनिमम 130 या 140 रुपीस तक होती है। बड़ा साइज़ में लॉक है, ये 3 की वाला है। उसी में अगर कुछ गाड़ियों के लिए लॉक चाहिए तो इस प्रकार के लॉक्स आते हैं, जिसकी कड़ी बड़ी साइज़ में रहती है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये बड़ा साइज़ में है, यह हमें मिलता है 80 रुपीस का, जिसकी मिनिमम रिटेलिंग 100 या 120 रुपीस तक होती है। इसी में अगर बड़ा साइज़ लेने जाएंगे तो हमें ये आएगा लॉक, ये थोड़ी बड़ी साइज़ है, जो हमें 100 रुपीस तक मिल जाती है, एक देख सकते हैं आप, एकदम बड़ी साइज़ में लॉक है ये। ये ज़्यादा करके कंटेनर वो लॉक करने के में यूज़ आता है, ड्राइवर लोग इसको ज़्यादा खरीदी करता है, क्योंकि कंटेनर वो लॉक करने के लिए इसको काम में आता है। इसके बाद फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि चाइना लॉक, जिसे बोलते हैं कॉपर लॉक, चाइना लॉक बोलते हैं, वो लॉक किस तरह के होते हैं, इनके बारे में अभी हम जानेंगे। ये देखिए, मेरे पास ये 38 mm का चाइना लॉक है, ये पूरा मेड इन चाइना का माल रहता है। ये देखिए, ये 38 mm का लॉक है, जो हमें रिटेलिंग में मिलता है 80 रुपीस तक। एकदम कॉपर के लॉक होते हैं, अच्छी क्वालिटी में। उसके बाद ये आप देख सकते हैं, ये 32 mm का लॉक है, 32 mm का लॉक हो गया। उसके बाद उससे बड़ा साइज़ अगर चाहिए तो आप ये लॉक भी ख़रीद सकते हैं, 50 mm का लॉक है ये। यहाँ में 100 रुपीस तक मिलता है 50 mm का, 3 चाबी का लॉक रहता है ये। उसी के बाद आप ये देख सकते हैं, ये मेरे पास 65 mm का, 63 mm का लॉक है ये, बहुत ही बड़ी साइज़ में रहता है ये, ज़्यादा करके बड़े बड़े गेट या बड़े दरवाजों में काम आता है, ये आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं 63 mm का लॉक है ये, बहुत ही बड़ी साइज़ में है, जिसकी रिटेलिंग 180-150 तक रुपीस तक होती है, वो लॉक है ये, सबसे बड़े साइज़ वाला लॉक है ये। ये उसी का छोटा साइज़ है ये। उसके बाद आप ए लॉक भी देख सकते हैं, 32 mm वाला, जिसकी रिटेलिंग 70 रुपीस तक होती है। अभी हमारे पास ये और एक नया माल आया हुआ है, 65 mm वाला लॉक है ये इंडियन लॉक, इसकी भी क्वालिटी अच्छी है। एक देख सकते हैं, एनएक्स कंपनी का है ये 65 mm का लॉक, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। इसमें चाइना लॉक में लेने जाएंगे और छोटा साइज़ के भी लॉक्स आते हैं, 20 mm के, 25 mm के। तो फ्रेंड्स, और ये पूरे लॉक्स हैं मेरे शॉप में, ये हमारे शॉप में बहुत सारे टाइप्स के लॉक्स हैं, जिसके हम रिटेलिंग करते हैं, होलसेलिंग करते हैं। तो मेरी ये छोटी सी कोशिश थी आपको लॉक्स के बारे में बताने की, कि कौन सा लॉक कितने में रिटेलिंग होता है, कौन सा अच्छा रहता है किस बात के लिए, इसके बारे में। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।